हो गए और जो लॉर्ड हो गए, कि जी एक जगह के थर्ड के आपके लॉर्ड हैं बुध, जी बुद्धि कारक हो गए आपके मंगल, जी तो हम लोग के पास एक हमेशा रास्ता है कि बुद्धि से काम ले या फिर लड़ाई करके काम ले, लड़ाई करके और काम वहां ले, पे आपके इट्स ऑल्सो द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बिल्कुल क्यों कहा जाता है कि हम लोग के बातों से लड़ाइयाँ होती हैं, ये हर किसी के साथ ही होता है। बोलचाल से पहला जो इंस्टिगेशन का मामला होता है हमेशा, इट्स ऑलवेज द हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो या तो बुद्ध की तरह मीठा बोलो या फिर एकदम एक बनिए की तरह। या मैं बोलूंगी हाँ बनिए की तरह जैसे आप बोलते हो, या तो एक टीवी में प्रोग्राम आता था तोल मोल के बोल, तो मैं उसको बिल्कुल बोलना सही, चाहूंगी अगर बोलते तो तोल मोल के जितना कम बोलो, को कहते हैं ना कम बोलो लेस इज मोर, इंग्लिश में कहावत है लेस इज मोर, तो कम बोलो सुखी रहो, तो बिल्कुल इसलिए सही। तो कम बोलो सुखी रहो, तोल मोल के बोलो, या तो अगर बोलोगे तो फिर तू तू मैं करोगे, तो फिर वो मंगल जो है अपना अमंगल करने में रेडी रहता है कभी भी। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि बोलने के लिए आप बुद्ध का इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और जब एक्शंस लेने का समय आए तब आपको मंगल, क्योंकि मंगल इज द एग्जीक्यूटर, वो आपको यस एग्जीक्यूट करने में तब, लेकिन बोलने में मंगल की तरह मत बोलो, मत और बोलिए करने मीठा में, हाँ बोलिए करने में बुद्ध की तरह मत बोलिए, करने में आप कभी आप बुद्ध की तरह मत कीजिए, और बोलने में उल्टा मत कीजिए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बोलने में हमेशा बुद्ध की तरह बोलो, करने में हमेशा मंगल की तरह करो। देखिए क्या है, मैं एक छोटे से डिफाइन करूंगी ये मंगल और बुध का। बुध जो है डिप्लोमेटिक है और मंगल है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जब बुध बिल्कुल है डिप्लोमेटिक है उसको पता है किसके आगे क्या, क्योंकि वो बिजनेस है, उसको सिर्फ कैसा कमाना है कैसे भी करके कमाए। वो गधे को कहते हैं ना बाप बनाएगा तो बनाएगा, उसको गधे को बाप भी बनाना पड़ेगा तो बनाएगा, वो ऐसा है। तो इसलिए कि नी सिर झुकना तो वो भी झुकाएगा, क्योंकि वो सोच समझ के काम लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलिए, बुध की तरह बोलिए। और मंगल होता है तो फिर आपको पता है कलयुग है, सबको मीठा मीठा सुनना है, कोई तेज तरार नहीं सुनना चाहता, सब प्यार की बोली समझना चाहते हैं, क्योंकि सबको अपनी तारीफ सबको अपनी प्रशंसा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर कोई डायरेक्ट अगर मैसेज देगा तो इतना क्लियर नहीं आएगा, जो कि बुध जिस तरह से कन्वे करके अपना काम निकलवा सकता है। हो सकता है मंगल अपना काम ना निकलवा पाए, इस तरह के बोल चाल के बारे में बोल रही हूँ वैसे मैं, तो उस हिसाब से मैं डिस्क्राइब करना चाह रही थी। और सिक्स हाउस में आप देख लीजिए कि वहां पे भी कन्या राशि है, बुध हाँ वहां के और लॉर्ड है, कारक बता है वहां के आपके मंगल और शनि। शनि हाँ तो हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप, क्योंकि यहाँ पे आपका शतरूप भी है, रोग ऋण ऋण जी भी आता है, तो सर्कुलेशन ऋण ऑफ मनी, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का एक हिस्सा है जी जी ना, जी तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ मनी या फिर आप शत्रुघ्नता मंगल की तरह, बिकॉज इट्स ऑल्सो द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन। लिटिगेशन का भी है देखिए बिल्कुल ना, लिटिगेशन का भी है, हाँ बिल्कुल सही डिजीज बात का है। भी है, लिटिगेशन का भी है, तो हाँ तो मिलिट्री यहाँ जिसे पे कहते हैं मिलिट्री उसका बिल्कुल भी है, इट्स हाईवे माई वे और द हाईवे, ये बिल्कुल बिल्कुल मंगल ही, इसीलिए तो यहाँ के कारक हैं कि इट्स माई वे और द बस हाईवे, कि आप या तो बिल्कुल मेरी तरह कीजिए काम, वरना फिर आर या पार की लड़ाई है। करो या और मरो, सिंपल बुद्ध, हाँ, लैंग्वेज और बुद्ध को अगर डिफाइन किया जाए, इट्स अ बनिया, बेसिकली इट्स अ बनिया, वो हमेशा अपने भले के लिए करता है, भले ही उसको झुकना पड़े, जैसे आपने कहा ना, समय के आने पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। बुद्ध बिलीव बिल्कुल इन दैट, बुद्ध एक्चुअली बिलीव इन दैट फिलोसफी, कि वो समय आने पे गधे को भी बाप जरूर बनाएगा। तो बिल्कुल हाँ ये भी है कि इसीलिए कितना अच्छा एक लगता है कि ऑप्शंस हम लोग के पास कितने हैं, या तो बुद्ध बिल्कुल की तरह बनिए की तरह सोचो, है ना, नहीं तो तेरे को अगर लड़ाई करनी है तो बिल्कुल मंगल की तरह लड़ाई कर ले, कोई जी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन यहीं पे, इसीलिए तो इन सबको उच्च स्थान कहा गया है। हाँ मंगल देखो देखो सिक्स हाउस हम डेट्स का भी बोलते हैं, अगर बुध रहेगा तो फिर वो अपना बिजनेस करेगा लेकिन उसको फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, तो मंगल जो होता है वो आपका डेट्स जो होता है वो चुकाने में मदद करता है या खत्म कर देता है। ऑल्सो अगर इसका हर चीज एक इसका यहाँ पे नेगेटिव है, तो कुछ पॉजिटिव भी है। बिल्कुल सिक्स हाउस में आपका आता है एक्सरसाइजेस, सेवा भाव, ये भी जिम हाँ आता है, हाँ एक्सरसाइज जिम करना आता जिम है, ये करना सब आ गए। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि सेवा भाव है, तो फिर सबसे बड़ा सेवक अगर बोला जाए तो मंगल, हनुमान जी से बड़ा सेवक और कौन हो सकता है, कोई नहीं है,
कोई नहीं है ना, एक गुरु के लिए सेवक सबसे बड़ा एक हनुमान जी थे, तो वो भी आप देख लीजिए कि कितने एक बढ़िया एक वो किया हुआ है, और इसके ऊपर बहुत एक मजेदार, इसलिए तो एस्ट्रोलॉजी इतना एक वाइड सब्जेक्ट है कि एक जीवन काल लगता है कि कम पड़ जाएगा। तो ऋतु जी, इस पे आप रेमेडीज के ऊपर कुछ कहना चाहेंगी, कैसे हम लोग कारक को अपना बलवान कर पाए थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस के, और रेमेडीज की कौन कौन से ग्रह कैसे करके वहां पे अप्लाई करते हैं, अपना इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए थर्ड हाउस में क्या है आपका, जैसे आपको थर्ड हाउस में बताया विल पावर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना, सेल्फ एफर्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गुरु पूजा करिए वहां पे, जैसे ओम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप, है ना, आप वहां का कारक है। उसके बाद आप अपना दान पात्र कर सकते हैं, जैसे मंगलवार को कोई लाल मसूर की दाल होती है वो दान कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिए, तो ये सिक्स हाउस का ये हो गया, सॉरी थर्ड हाउस का हो गया। सिक्स हाउस जैसे आपने बताया कंपटीशन है, लिटिगेशन है, शत्रु स्थान है, और आपका डिजीज और डेट्स का है। देखिए आपको मंगल को स्ट्रांग करना, मिलिट्री का है तो आपको मंगल को स्ट्रांग करना है, आप जिम जाइए क्योंकि वो हार्ड वर्क करवाता है, जिम जाइए, ये भी रेमेडी है। और जैसे आपने बताया हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगल को, मंगल को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि शनि भी है, तो शनि को भी पढ़ सकते हैं, वो भी स्ट्रांग होएगा। अब टेंथ हाउस में आपका नेम फेम आता है, स्टेटस करियर आता है, और वहाँ पे जो मंगल है कारक तो अगेन, और सूर्य है तो सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल दीजिए। और ग्यारहवें हाउस में जो आता है आपका राहु है तो चंदन चंदन लगाइए माथे पे, है ना, और माँ को माँ की पूजा करिए। तो ये मैंने ब्रीफली बता दिए अभी, जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और उसमें ऐड करती रहूंगी। आप कुछ कहना चाहेंगे पार्थम? हाँ, जैसे कि थर्ड हाउस में आप, यहाँ पे हमेशा एक कहा जाता है कि मैलेफिक प्लैनेट्स आर ऑलवेज बेटर इन उपचेस्ट, है ना, हाउसेस ऑफ इविल में हमेशा एक मैलेफिक प्लैनेट्स, पाप ग्रह, पापक ग्रह हमेशा अच्छे माने जाते हैं जी। तो इसमें आप जैसे ये मान लीजिए कि आपका थर्ड हाउस में राहु किसी का बैठा हो, तो राहु आपका इज एन एक्सीलेंट प्लानर, राहु से अच्छा प्लानिंग कोई कर नहीं सकता है। जो असुर, राहु की कहानी अगर आपको लोगों को मालूम हो कि जो राहु एक असुर थे, वो देवता के लाइन पे लग गए थे जब आपका समुद्र मंथन हो रहा था, वो आपका यहाँ पे अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में लग गए थे जी। तो उनकी प्लानिंग तो कोई जवाब ही नहीं है, तो राहु तो एक एक्सीलेंट प्लानर है, तो इसीलिए, और आपका यहाँ पे हाउस ऑफ विल पावर एक पापक ग्रह है, तो एक हट बल मिलता है वहां पे, है ना, क्योंकि विल पावर, गुरु अगर वहां पे, जैसे गुरु अगर किसी के थर्ड हाउस में बैठ गए तो वो क्या कहेगा कि मेरे को लड़ने की क्या जरूरत है, अपन तपस्या करते हैं, अपन थोड़ा सा ध्यान व्यान लगाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हो गया अपना काम। राहु हो गया, वो आपको एक लड़ने का ताकत देगा। मंगल हो गया, वो आपको एग्जीक्यूशन विल पावर आपकी बढ़ाएगा, एक हटबल देगा। सूर्य हो गया, या फिर कोई भी, सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना जाता है क्योंकि एक राजा कभी भी एक गुडी गुडी राजा नहीं हो सकता है, उसको हमेशा ही एक कड़े, हाँ कड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो एक सूर्य हमेशा इज ऑलवेज गुड इन थर्ड हाउस, इट्स अप्रिशिएटेड इन थर्ड हाउस। और फिर उसके बाद शनि हो गया, शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है, स्लोएस्ट प्लैनेट है, वो अपना इतना उसके में पेशेंस है कि और किसी में उतना पेशेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो हिलता ही नहीं अपनी जगह से। भाई युद्ध में तेरे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, मैं यहाँ से नहीं लूंगा, शनि ऐसे करके बोलता है कि तू लड़ता रहे, तू 10 साल लड़ता रहे, अपन 20 साल की तैयारी करके आए, क्या दिक्कत है, तो सामने वाला अपने आप से हार जाएगा। यही सेम कहानी आपके सिक्स हाउस में भी है कि अच्छा वहां पे मैं शुक्र का भूल गया कि शुक्र भी कोई उतना अप्रिशिएटेड नहीं माना जाता है कि क्योंकि शुभ ग्रह है। तो अब शुभ ग्रह का लड़ने के लिए क्या काम है, बुध का तो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि भाई बुद्धि से के लिए वो होता ही है कि वो पूरा का पूरा इंटेलेक्ट है, तो बुध से आप काम लीजिए, अपन आइए सब कीजिए, आपको लड़ाई करने के लिए बुध कभी कहेगा नहीं। चंद्र भी इतना मन चंचल कर देता है खुद का कि वो लड़ेगा है नहीं, वो उसका मन इधर उधर सब जगह पे घूमता रहेगा, वो कभी लड़ेगा नहीं। अब बात आती है रेमेडीज की, तो इन लोग की तो रेमेडीज के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे थर्ड हाउस डायरेक्टली एस्पेक्ट करता है नाइन्थ हाउस को भी, है ना,
तो फिर अब जैसे गुरु बैठे हुए हैं, आपके गुरु वहां पे हैं, तो ओम नमः शिवाय कीजिए, हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनी, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे बिल्कुल हाथ भी आता है, तो ओम नमः शिवाय चैंट कीजिए, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेके आपका हमेशा अच्छा होगा। शुक्र हो गया, तो शुक्र क्या है, शुक्र मीठा है। तो आप कभी भी कोई ये बाहर काम करने जाए, क्यों हम लोग तो बोले जाते थे कि घर में आपको भी बोला जाता होगा, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमेशा दही मीठा खा के जाओ, दही चीनी खा के जाओ, दही, है जी ना, जी तो वो बहुत ज्यादा वो होता है, इफेक्टिव है। चंद्र के लिए आपके हाथ में हमेशा एक बॉटल रखी है, आपका हमेशा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वो 9th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि आप लोग का भाग्य स्थान है, तो वो वहां पे भी एस्पेक्ट करता है। और फिर आपका हो गया मंगल के लिए, मंगल के लिए आप हमेशा, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्योंकि मंगल आग है, मंगल इज अ फायरी प्लेनेट, मार्स इज अ फायरी प्लेनेट, तो फिर वो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आग अपने पास हमेशा रखो, लेकिन आप हमेशा एक माचिस या फिर एक मैच बॉक्स या फिर एक लाइटर अपने पास रख सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप स्मोक कीजिए या फिर ये सब कुछ कीजिए, नहीं, आप लेकिन ये एक रखने के लाल लिए, कपड़ा भी हाँ रख सकते हैं, लाल लाल कपड़ा। कपड़ा भी रख सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ एक अच्छा एक वो बोला जाए, एक बहुत ही सिंपल, कि आप शाम के समय पे संध्या काल पे आप दीप जला दें, जी बिल्कुल भगवान के सामने दीप जलाते, आपका मंगल वहां से, सूर्य के लिए भी इज अ फायरी प्लेनेट, यहाँ पे डायरेक्टली अपने 9th हाउस को, 9th का कारक होता है सूर्य, तो आप अपने बिल्कुल पिता की बात मानिए, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आप सूर्य को जल अर्पण कीजिए, आपका सूर्य भी बलवान होता है। बिल्कुल और फिर कोई कौन सा ग्रह रह गया, अभी राहु के लिए, राहु का तो यहाँ पे गुरु पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ओम नमः शिवाय राहु का सबसे बड़ा कार्य, शिवाय, तो देवी हाँ पूजा भी ओम नमः बोलते हैं, शिवाय, मूर्ति पूजा। हाँ, ओम नमः शिवाय हो गया, फिर ओम नमो नारायणाय हो गया, ये सब भी आप कर सकते हैं। और आई केतु डोंट थिंक दैट आई एम मिसिंग एनी प्लेनेट। केतु के लिए, केतु तो साधक है खुद से ही, वो तो कहेगा कि साधु है तू, साधु ले ले आराम से, तो केतु के मतलब से वहां पे राहु 9th में आ जाता है, तो फिर जी वहां पे फिर राहु के लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ती है।